स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि वेदांताचार्य हैं, उनके पास मैं चलूं। लेकिन अजय भांबी जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी, क्योंकि ज्योतिषाचार्य कुछ अनहोनी की ओर भी इशारा कर रहे हैं, उससे बचने के क्या उपाय सुझाएंगे आप? देखिए, मेरे को लगता है कि सबसे पहले तो भूकंप का खतरा बना हुआ है, ये खास बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन मैंने बोला था आपसे थोड़ी देर पहले, कोरोना का जो प्रकोप है वो 15 जुलाई के बाद कम होगा और सितंबर आते आते चीज़ें काफ़ी नॉर्मल हो जाएंगी और भारतीय जो इकोनॉमी है उसमें थोड़ा फर्क रहेगा, दिक्कत रहेगी, इसमें 2 साल लगेंगे। तो ये सारी स्थितियाँ हैं, लेकिन इसके बाद भी सूर्य ग्रहण को देखना नहीं चाहिए, वो तो बात सब डॉक्टर सब लोग भी बोलते हैं, हम लोग भी बोलते हैं। और ये ग्रहण हर बार नुकसान नहीं देते, हर ग्रहण के बाद परिवर्तन आता है। जब 26 दिसंबर को हुआ था 19 को, तब उसके बाद कोरोना और सब तरह के ये प्रभाव आए थे, इसके बाद ये प्रभाव थोड़े कम होंगे। और जो युद्ध की स्थितियां हैं, मुझे नहीं लगता युद्ध होगा, फुल फ्लेज वॉर नहीं होगा। हाँ, जो जो कहना धक्का मुक्की टाइप ये जब है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। और चलिए, ये आपने बड़ी बातें कही हैं कि कम से कम युद्ध जैसे हालात नहीं बनेंगे, धक्का मुक्की जैसा कि इस समय भी हम देख रहे हैं। चीन के साथ जिस तरह से तलखी के साथ हिंदुस्तान का रिश्ता आगे बढ़ रहा है, राजकुमार शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम कुमार शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन स्वामी सर्वानंद सरस्वती, अब सीधे आपका रुख करते हुए, आज ये जो खगोलीय घटना घटी है, विज्ञान जिन शब्दों का प्रयोग करता है, अगर ज्योतिष के नजरिए से, धर्म के नजरिए से मैं जानूं, तो आपका धर्मशास्त्र आज के सूर्य ग्रहण को लेकर क्या कहता है? देखिए, ये सूर्य ग्रहण, ये कोंकण सूर्य जैसे कड़ा होता है ना हाथ में जी, उस तरह का, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया है और ये चंद्रमा अपने उसने सूर्य को ढक लिया और जितना ढक सकता था तो उतना ही ढक सका, इसके बाद वो उसके कंकण आकार दे दिए, इसलिए इसको कंकण सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये सूर्य ग्रहण बहुत ही आप ऐसे समय में आया है जहाँ पर 6 ग्रह बकरी हों और गुरु और शनि बकरी चल रहा हो, तो ये ग्रहण बहुत कुछ है। और ये मिथुन राशि से ग्रहण शुरू हुआ और मिथुन राशि पर ही समाप्त होगा, और जिसमें मृगशिरा नक्षत्र जो है मृगशिरा से शुरू हुआ और आद्रा में ख़त्म होगा। तो इन नक्षत्रों को, इन सबको देखते हुए ये सूर्य ग्रहण बहुत लाभकारी तो नहीं है, लेकिन विनाशकारी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उपद्रवकारी जरूर है। जिसके लिए अगर जो जातक अपनी राशियाँ जानते हैं उनके अनुसार अब इस समय जब सूर्य ग्रहण चल रहा है तो सूर्य को देखें ना, बल्कि बैठ करके उसकी आराधना करें, और अगर उसका मंत्र नहीं आता तो केवल ओम सूर्याय नमः करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय करें या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, जो भी मंत्र आप कर सकते हैं सूर्य ग्रहण के समय, वो आपके जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है ये समय। इसलिए देवताओं के, आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के अभी हमारे पास फोन आ रहे थे और बहुत कि ये सूर्य ग्रहण में सूतक लगने पर मंदिर क्यों बंद कर दिए जाते हैं, मंदिर के दर्शन क्यों नहीं किए जाते हैं, भगवान को भी क्यों नहीं पूजन अर्चन किया जाता है। तो जब ये आपत्ति, राहु केतु की आपत्ति अगर सूर्य पर आई, तो सूर्य तो प्रधान देवता है, सारे नवग्रहों का प्रधान देवता है, तो वो सूर्य के कारण देवता भी इस समय दुखी है, तो दुखी होने के कारण वो सूतक काल कहला दिया जाता है। इसलिए मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, जैसे हमारे 4 धाम हैं, चारों धामों के मंदिरों के कपाट हैं, क्षेत्रीय मंदिरों के भी कपाट बंद हैं। और इस ग्रहण में तो क्योंकि वो लोग भी यही आराधना करते हैं कि जिससे कि धरती भी, जो धरती है, जो पृथ्वी है, उस पर वनस्पति हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, मानव है, उसको किसी तरह से राहत मिले, उसको शांति मिले। उस शांति के लिए बहुत बहुत साधारण सी बात है, एक ही अगर मंत्र बोल दिया जाए, जपा कुसुम संकासम काष्पेयम महादुतिम ठीक है सर, तमो अरिम सर्व पापग्नम प्रणतोष्मी दिवाकरम।